महादेव कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी हमारी विपरीत परिस्थितियाँ हमारा अच्छा समय लाने के लिए भी आती हैं। मन चंचल होता है और ये इधर उधर भागता है, लेकिन यदि ये मनुष्य के वश में हो जाए तो इससे अच्छा मित्र भी कोई नहीं है। और इसीलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है, और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से अभ्यास और प्रयास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं, ना ही मेरे लिए कोई मित्र और ना ही शत्रु, और ना ही मेरे लिए कोई निर्धन है और ना ही कोई धनवान। बस जो मुझे भक्ति भाव से याद करता है, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। महादेव कहते हैं, वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिखता है। आप जैसा बीज बोओगे वैसे ही फसल काटोगे, आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही भुगतना होगा। यदि विद्यार्थी मन लाकर पढ़ेंगे तो वह परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वो अपना कर्म करेगा। भर्म और संदेह से भरे भगवान जब आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। महादेव कहते हैं, कभी किसी इंसान को खेत में खेती करते देखा है? वो उसे सींचता है, जोतता है, पशु पक्षियों से उसकी रक्षा भी करता है, परंतु एक बात का वो सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार न उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार पूरे खेत की फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई वंश की संतान बिगड़ी निकल जाए तो वह पूरे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में ध्यान देना अति आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वह फसल होती है जो कि वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश को पतन कर सकती है। महादेव कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपने जीवन में बुराई से बच के रहना चाहिए। यदि कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसी को भोगना पड़ता है। जैसे कि एक बछड़ा झुंड में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं, छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को किसी चीज का कष्ट होना ईश्वर को कष्ट होने का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? जो ईश्वर का दास हो जाता है वो अपने आराध्य को ऐसा दिन दिखाने की कोशिश नहीं करता। जब उसमें गुरु रह जाए तो वह अपने भोलेनाथ की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है। जो व्यक्ति हमेशा हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वो अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात गुमसुम रहने लगे, तो समझ लेना उसके हृदय में एक दर्द है जिसने उसे कमजोर बना दिया है। जिसमें व्यक्ति के पास संपूर्ण धन ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, तो उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा असंतुष्टि की अवस्था में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह हमेशा खुश रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो तो आपको लगता है आपको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो कि आप जो कुछ भी कर रहे हो आप पर भगवान की दृष्टि सदैव बनी रहती है। इसीलिए आप ये कभी ना समझें कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ सदैव रहते हैं। और मन के जीते जीत अर्थात जिस तरह सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार हमेशा असफलता की ओर ले जाते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन पाते हैं। अपने विचारों के ही माध्यम से हमें नकारात्मक और सकारात्मक विचार के बारे में पता चलता है। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसी चीज है जो कर्म करता है, और कर्म करना ही इंसान का संपूर्ण धर्म भी माना जाता है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से कई अधिक अच्छा होता है।
क्योंकि बिना कर्म करने वाली आशा हमेशा निराशा का ही कारण बनती है। दोस्तों, विदा लेते हैं इस वीडियो से। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और मुझे लगता है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।